हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज़ गार्डन। तो आप देख सकते हैं ये प्लांटर, इसे मैंने वेस्ट बॉटल का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बॉटल के दो पार्ट किए थे और उसका एक पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट, उसमें मैंने तुलसी के प्लांट लगा दिए थे और ये ऊपर वाले पार्ट है जिन्हें मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इस तरह के आप कुछ बॉटल्स ले लें, बॉटल्स का ऊपरी पार्ट ले लें और उसके कैप में इस तरह से आप होल बना लें। तो मैंने सभी बॉटल्स में इस तरह से होल बना लिए हैं और आप उसके बाद इस तरह से रस्सी ले लें और रस्सी के लास्ट सिरे पर मैंने एक नॉट लगा दी है। इस तरह से आप गांठ लगा लें ताकि जब आप बॉटल से निकालें रस्सी को तो बॉटल नीचे की तरफ निकले ना। और देखिए, मैंने इस तरह से रस्सी को अंदर की तरफ से निकाल के बॉटल को इस पर इस तरह से लगा दिया है। अब मैं दूसरी नॉट लगा दूँगी इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद मैं अपनी दूसरी बॉटल का पार्ट भी इस पर एडजस्ट कर दूँगी। तो इसी तरह से आप नॉट लगाते जाएँ और सभी पार्ट्स को आप एडजस्ट कर लें। आप देख सकते हैं, ये दूसरा भी मैंने इस तरह से लगा दिया है नॉट लगाने के बाद। तो इस तरह से मैंने सभी बॉटल्स के पार्ट को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो प्लांटर तैयार हो गया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैंने एक रुपया भी नहीं लगाया है। ये रस्सी भी घर में आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। तो इस तरह से अब मैंने इसमें नीचे की तरफ रेत भर दिया है ताकि, वैसे तो आप ना भी भरे तब भी इसमें ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे पास रेत रखी हुई थी तो मैंने डाल दिया, और रेत डालने के बाद आप इस तरह से मैंने देखिए हैंग कर दिया है। और उसके बाद मैंने सभी बॉटल्स में मिट्टी भर दी है, और मिट्टी भरने के बाद आप अच्छे से मिट्टी को दबा दें ताकि बॉटल एकदम सीधी एडजस्ट हो जाए इस तरह से। तो इस तरह से इसमें मिट्टी भरने के बाद आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं जो हैंगिंग बास्केट में लगते हैं और हैंग करते हैं नीचे की तरफ। आप इसमें मॉस रोज़, पर्पल हार्ट और जेड प्लांट या कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम नीचे की तरफ लटकती हो आप लगा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, जब प्लांट अच्छे से इसमें लग जाएगा तो बहुत सुंदर लगते हैं ये प्लांटर। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो मैंने मनी प्लांट की कुछ स्टेम्स को पानी में लगाकर रखा हुआ था जिनके रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गई। तो आज मैं इन बॉट प्लांटर्स में यही मनी प्लांट्स लगा दूँगी। बहुत ही सुंदर लगेंगे ये प्लांट्स इसमें जब ये अच्छे से लग जाएंगे, और जब इनकी स्टेम्स नीचे की तरफ लटकेंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये प्लांटर। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये अच्छे से लग जाएगा और इनकी इसमें नई नई स्टेम्स आने लगेंगे। इन्हें हैंग करना बहुत ही आसान है, आप कहीं पर भी दीवार पर भी इन्हें हैंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन्हें बीच में भी लगा दें और हैंग होने दें तो भी ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हैंगिंग प्लांटर है जिसे मैंने वेस्ट बॉटल से बनाया है। तो इसी तरह के मैं और भी प्लांटर्स बनाऊंगी और उसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाऊंगी, और उसका भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमारे घर में बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो उसे आप अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं नए नए आइडियाज़ क्रिएट करके। तो वेस्ट चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। आप चाहें तो इन प्लांटर्स में पेंट भी कर सकते हैं, पेंट करने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, पानी डालने के बाद आप देखिएगा पानी बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगा और इसमें ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि रस्सी होल्स के बीच से निकली हुई है और सारा पानी रस्सी के थ्रू नीचे की तरफ से निकल जाएगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी प्लांट्स की कटिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कटिंग्स इकट्ठा हो जाती हैं जिन्हें हमें जगह की कमी होने की वजह से या पॉट की कमी होने की वजह से हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से आप बॉटल्स का यूज़ करके उन कटिंग्स को लगा दें
और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और स्पेस भी नहीं कवर करते हैं। तो इस तरह से आप उन कटिंग्स को फेंके नहीं और लगा दें। तो जिनके यहाँ स्पेस की कमी हो या पॉट की कमी हो, तो इस तरह से बॉटल्स का यूज़ करके या किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप इस तरह से प्लांटिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।